शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और अगर आप नवरात्रि में ज्वाला देवी के दर्शन करने का मन बना रहे हैं तो आपको हिमाचल प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्वाला देवी के दर्शन आपको यूपी की राजधानी लखनऊ में हो जाएंगे। लखनऊ में ज्वाला देवी का एक ऐसा मंदिर है जहां आप देवी के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि 2004 से एक अखंड ज्योत जल रही है। ये अखंड ज्योत ज्वाला देवी से लाई गई है। नवरात्रि में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये श्री ज्वाला माँ मंदिर का उपपीठ है और यहाँ ज्वाला देवी के साथ नवदुर्गा, 10 महाविद्या और अन्य देवी देवताओं का विग्रह स्थापित है और यहाँ नवरात्र में माँ भगवती का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। ये सन 2004 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। पूर्व समय में यहाँ पर माता का एक पीठ की मठ थी, उसी का जीर्णोद्धार भक्तों द्वारा कराया गया है। अभी मंदिर का बेहद सौंदर्य स्वरूप दिख रहा है जहाँ माँ भगवती ज्वाला की आराधना पूजन हो रहा है। मंदिर में सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे का है, फिर दोपहर में 12 बजे की आरती है, बाकी भोग अन्नकूट आरती होती है, 4:30 बजे माँ का उत्थापन आरती और 7 बजे से 8 बजे माता मंगला भवानी की आरती होती है और रात्रि 9 बजे माता की शैया आरती होती है। सुबह नवरात्रि में मंदिर जो है ना 5 बजे खुल जाता है और रात्रि 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। यहाँ पर ये ज्वाला देवी का उपपीठ है तो ज्वालामुखी से माँ की अखंड ज्योत ला के मुख्य दरबार में स्थापित है और बहुत सारे भक्तगण उस ज्योत के दर्शन करने जाते हैं, जो 2004 से नियमित रूप से आज भी ज्योत चल रही है। इस मंदिर को शक्तिपीठ भी कहते हैं और तो और इस मंदिर में आपको वैष्णो देवी माँ के दर्शन भी हो जाएंगे। यहाँ वैष्णो देवी की तरह महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के दर्शन भी आप कर सकते हैं। कहते हैं कि नवरात्रि में इनके दर्शन करने से ऐसी मान्यता है कि भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनचाही इच्छा पूरी हो जाती है। इस मंदिर का निर्माण माँ भगवती के भक्तों द्वारा हुआ है और मुख्यतः मैंने ही इस मंदिर का निर्माण कराया है। हाँ, यहाँ पर प्रतिदिन भजन होते हैं और नवरात्रि में तो विशेष माता का उत्सव होता है, पर्व होता है, तो 9 दिन तक लगातार यहाँ पर भजन कीर्तन होते हैं और वैसे शुक्रवार को विशेष देवी का महत्व है और यहाँ पर मान्यता है कि जिन लोगों की विवाह नहीं होते हैं माँ भगवती के दर्शन करने से उन लोगों के विवाह मनचाहा उनको वर वधु प्राप्त होते हैं। यहाँ प्रतिदिन कम से कम 5 से 10 हज़ार भक्त प्रतिदिन शाम को आरती में आते हैं। इस मंदिर के पीठाधीश्वर अशोक महाराज ने बताया कि इस मंदिर की मान्यता यह है कि अगर किसी की शादी ना हो रही हो या उसके बच्चे ना हो तो शुक्रवार के दिन आकर यहां देवी मां को पीला सिंदूर चढ़ाएं, उनकी शादी हो जाती है और जिन्हें संतान नहीं है वो लोग अगर ऐसा करते हैं तो उनको संतान मिल जाती है।